मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड स्वागत है आपको एक नया वीडियो पे। तो अभी मैं हूँ सिलचर पे और मुझे जाना था मिजोरम, बट सुनने में आया था कि 2 से 3 दिन मिजोरम बंद है, बट देखा जाएगा जो भी होगा। तो अभी मैं एक होटल पे आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। दादा और एक कप चाय भी दे दो, और चाय बड़ा सस्ता है यहाँ पे, 5 रुपये एक कप चाय, 5 रुपये अभी भी चाय मिलता है इधर 5 रुपये में, अच्छा है। और इधर पूरी सब्जी 3 पूड़ी दादा, 3 पूड़ी ना 20 रुपये में, अच्छा 3 पूड़ी 1 बाटी सब्जी 20 रुपये, बढ़िया है। पूड़ी का साइज भी मोटा मोटी देखो, अच्छा ही। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं आया हूँ, और ब्रेकफास्ट करके फिर देखते क्या होता है, प्लान है मिजोरम। और मैं कल आया था इम्फाल से, काफ़ी रात को पहुँचा मैं। उसके बाद थोड़ा मतलब ड्राइवर भी यहाँ के बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब ऐसा खतरनाक, इतना डेंजर से गाड़ी चलाते हैं ना, गड्ढा वड्ढा उनको देखना नहीं। मतलब कल पूरा बदन इतना दर्द हो गया, मतलब क्या बताया गया बहुत ही। और अभी सुबह सिलचर, और ये जगह है रोंगपुर। तो इधर मैं होटल के जस्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। साइड में कुछ आवाज़ हो रहा है, शायद मोटर या फिर कुछ चल रहा है, साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया तो माफ़ कीजिएगा। अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बाजार जाता हूँ, आगे एक ब्रिज है, फिर उसके बाद सिलचर बाजार थोड़ा घूमते हैं। सब्जी इधर पूरी दिखाई दे रहा है गाइस, यहीं से हमारा पूरा जर्नी शुरू, पूरा नॉर्थ ईस्ट यहीं से जाता है। ये है सिलचर का ब्रिज, और इधर कुछ मकान वगैरह। और मैंने कर दिया है पैदल घूमना, कोई भी जगह को पैदल अगर घूमोगे आप तब जानोगे। रोंगपुर उधर सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर अभी इधर घूम रहा हूँ। अच्छा ये सिलचर का सबसे बड़ा ब्रिज, ये है ना? तो ये सिलचर, मैं आसाम से हूँ, ओह सॉरी ये आसामी तो है मैं तिनसुकिया, तिनसुकिया, हाँ तिनसुकिया बारी, हमार बारी तिनसुकिया। मैं कल आया मणिपुर से, उससे पहले नागालैंड था, मणिपुर। अभी सुन रहा हूँ कि मिजोरम बन है, तो अभी दो या तीन दिन यहाँ बैठूंगा, थोड़ा सिलचर घूमूंगा, फिर उसके बाद मिजोरम जाऊंगा। यस हाँ, अभी ब्लॉग बन रहा है, आप भी आ गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रोय। रोय तुम्हें रोय नहीं खो बारी था, खोई कत दूर है? ओके कोई ट्यूशन थी क्या सर? कत क्लास से पढ़े? थोड़ा थोड़ा आपका भाषा मुझे आता है, इजी है बेंगोली, हम लोग का जो क्लासमेट लोग बहुत सारा है, इजी थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। उधर ब्रेकफास्ट किया रोंगपुर पे, चाय बड़ा सस्ता है इधर, 5 रुपये में चाय मिलता है ना सिलचर में। आप लोग हम लोग का उधर 10 रुपये, 5 रुपये में कुछ मिलता नहीं उधर में, तिनसुकिया में। गाइस सिलचर में खाना पीना बहुत ही सस्ता है। तीन देखिए सिलचर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नदी, शायद ये नदी जाके बांग्लादेश कनेक्शन हुआ है, आई थिंक सो। ब्रिज मैंने क्रॉस कर दिया कम्प्लीटली, और ये कुछ नीचे बाजार, बाजार एरिया सिलचर का। अमेजिंग अमेजिंग। और इधर बिल्कुल मैं नदी के बगल पे आ चुका हूँ, बहुत ही यूनिक। ये शायद ये नदी, और मेरे बगल पे जो साइड पे वो ब्रिज था। ये दादा नदी का नाम क्या है? बराक। अच्छा ये है बराक, बराक नदी के किनारे पे, मतलब ये बांग्लादेश कनेक्शन है ना इसका पानी। अच्छा अच्छा ये जो नदी है गाइस, ये बांग्लादेश से कनेक्शन है। ये सिलचर ब्रिज, उसी ब्रिज के नीचे का ये नदी है। ये देखिए ये घाट एरिया है, यहाँ पे मूर्ति वगैरह पूजा करके विसर्जन करने का जगह है यहाँ पे सब कुछ, और आगे कुछ मछली वगैरह मारने का सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे क्या पिकनिक भी चलता है क्या? नहीं पिकनिक का सीजन कभी कभी चलता है, कभी कभी ना। अच्छा अच्छा एक्चुअली मैं पहली बार आया हूँ सिलचर घूमने के लिए। हाँ जी ओ चैनल, चैनल का नाम नो मेडिकल बॉय, नो मेडिकल बॉय। कहाँ से हो? मैं तिनसुकिया, तिनसुकिया से हूँ। नागालैंड घूमा, मणिपुर घूमा, मेरा आज जाना था मिजोरम, और सबसे पॉपुलर ये जगह है ना बराक, ये है बराक नदी, और कुछ नाव बोटिंग, बोटिंग सिस्टम भी है। ये क्या नाव से घुमाते भी है क्या, पैसा देने से? घुमाते आगे जाना होगा ना, कितना दूर होगा अंकल?
बस रुपये लगेगा कुछ जी जी मधुरा घाट जी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, कोई भी सामान हो गया फेरी हो गया चार्ज बहुत ही कम थी है ना। बाद में सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, 5 रुपये लिया एक कप चाय का, बहुत ही सस्ता है उधर आपका रोंगपुर में, रोंगपुर उधर बगल में। तो इधर एक भैया जी मिला है, आप इधर ही से हो ना, लोकल? हाँ, लोकल लोकल फ्रॉम सिलचर। क्या नाम है आपका? राजदीप। हाँ। भैया जी का नाम राजदीप है, लोकल ही है। और ये पूरा विसर्जन जगह ना, मूर्ति को यहाँ पे, मूर्ति को देखिए, मूर्ति पूजा जो करते हैं हमें, दुर्गा पूजा काली पूजा, तो ये विसर्जन जगह है। उसके बाद ये नदी। आपसे नेपाली है? हाँ जी नेपाली है। कैसे पता चला? प्रोनाउंसिएशन से ना। अंकल का नाम? मेरा नाम है दिलीप। दिलीप, अच्छा अच्छा। आपको नेपाली आता है? मेरा नाम विकास भट्टर है। विकास क्या है? शर्मा। अच्छा अंकल, नेपाली में शर्मा हुन्छ ना के? ओ हुन्छ त, नेपाली में, नेपाली में शर्मा हुन्छ, बंगाली में हुन्छ, आसामिस में हुन्छ। तिनसुके जागुन मार्केट सुन्नु भयो? लिदु सुन्नु त भएन, त तिनसुका त सुन्नु भयो। जाऊ झालुपडा घुमेर आऊ, यहाँका त फेमस फेमस झालुपडा। ओ झालुपारा, पुरा गोर्खाली गाउँ। गोर्खाली गाउँ। अच्छा कति टाढा हुन्छ यहाँ? यहाँदेखि सच तिमी ज्यादा छैन, आधा किलोमिटर। आधा किलोमिटर नै? कति रुपियाँ लिन्छ भाडा? यतिकै त रिक्सामा गएपछि त जेल रुटमा नमाइदिन्छु, 20 रुपियाँ लिन्छ। हजुर हजुर। ठिक झालुपडा गएपछि 30 रुपियाँ लिइहाल्छ। 30 रुपियाँ नै? ये है बराक रिवर और इसका कनेक्शन बांग्लादेश रिवर पे है। और इधर डबल ब्रिज है गाइस, ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है डबल ब्रिज, और यहाँ पे कुछ नाव है देखिए, इसका भी यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा चल के जाना होगा बहुत आगे, वहाँ घाट का किनारा है तो आज शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इधर विसर्जन जगह मूर्ति का देखिए नज़ारा, ये है सिलचर का ब्रिज बिल्कुल मेरे पीछे, और ये नदी का कनेक्शन है बांग्लादेश में, बराक रिवर, बहुत ही अच्छा यूनिक। मछली वगैरह पकड़ने का और कुछ बेम्बू वगैरह जो भी हमारे नदी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, यहाँ से भी लोग जाते हैं दूसरा गांव, जिनको पानी में सफ़र करना अच्छा लगता है, डिसलाइक है। और इधर की उधर मूर्ति देखिए साइड पे। और अभी मैं हूँ सिलचर कसार, ये है कछार एरिया, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बगल में मैं हूँ। ओके भैया बाय। तो मुझे जाना है अभी आगे, इधर कुछ मार्केट है सब्जी बाजार सिलचर में, देखिए सिलचर का बाजार। ये तो कॉमन वेजिटेबल है तो आपको पता ही है, यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया सिलचर पे। ये जितना भी सब्जी है हमारे उधर भी मिलता है, ये सब कुछ कॉमन वेजिटेबल। यहाँ पे अजीब एक खीरा साइज बड़ा छोटा है, भैया ये खीरा है ना, इसका साइज बड़ा छोटा है, ये चीज़ मुझे नया देखने को मिला सिलचर आने के बाद। देखिए गाइस ये खीरा है, खीरा तो सब जगह होता है, इसका साइज भैया ऐसा छोटा क्यों है? ये इसी जाति का है, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं आप लोग? खीरा तो बोलते हैं आप लोग का भाषा में, कोई इसका दूसरा नाम नहीं है ना। देखिए गाइस इतना छोटा छोटा खीरा सिलचर में आने के बाद, वैसे तो सब जगह होता है गाइस खीरा, बहुत इतना छोटा खीरा मैंने पहली बार देखा है, साइज बहुत ही छोटा। किलो कैसा है भैया? 60 रुपये 60 रुपीज। ओके ये है सिलचर पे, थोड़ा यूनिक लगा ये चीज़ मुझे सिलचर पे आने के बाद। ये पूरा बाजार एरिया है, ये कोट रोड ना, ये कोट रास्ता है कोट का। और ये सिलचर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर बोले तो मूरी, मूरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मूरी लाडू। ये देखिए ये तो गुड़ है, गुड़ है ना, कैसा किलो है गुड़ का? हाँ 80 रुपये किलो है। ओके ये देखिए मार्केट एरिया, ये ओवर ब्रिज है सामने में। तो नीचे कुछ नाव वगैरह चल रहे हैं जो फेरी चलाते हैं यहाँ पे नीचे, मछुआरे लोग होंगे शायद। पानी बिल्कुल सूख चुका है अभी क्योंकि विंटर है,
तो अभी मैं जा रहा हूँ रोंगपुर की ओर और ये ब्रिज मैंने क्रॉस कर दिया। अभी धूप निकल चुका है गाइस और ठंडा बिल्कुल बढ़िया है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना ठंडा मुझे नागालैंड और मणिपुर पे लगा था। यहाँ पे चलता है, क्लाइमेट एकदम बढ़िया, रात को सोते वक्त भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्लाइमेट बिल्कुल ही बढ़िया, ओवर ठंडा नहीं है बिल्कुल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसा ठंडा था इधर भी वैसा ठंडा है। अभी धूप निकल चुका है और इधर डबल ब्रिज है, वो देखिए ओरेंज ब्रिज है, वो देखिए डबल ब्रिज, अच्छा है, काफ़ी डेवलप जगह है।